एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 वही घिसा बेटा क्वेश्चन। फिर से हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं -2/5 एंड 1/2 के बीच में। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा हमेशा की तरह क्या रहता है कि सबसे पहले इन दोनों रैशनल नंबर्स का हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन -2/5 एंड 1/2 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, केवल डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इट वुड बी -2/5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो भाई न्यूमिनेटर में भी वही मल्टीप्लाई होता है ना, बच्चों को घर में अगर दो भाई बहन हो, एक के लिए जो लाए भाई दूसरे के लिए लाना पड़ता है, लड़ाई हो जाती है। तो भाई लड़ाई ना हो तो उसके लिए ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा हमारा -4/10 एंड 5/10। अब देखो कितने रैशनल नंबर्स निकाल रहे हैं हमें, 10 रैशनल नंबर्स निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या आपको -4 से लेकर 5 तक के बीच में रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं, तो 10 रैशनल नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ना 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, अगर आप सिंपली -4 से अगर 5 तक जाते, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक केवल आपको 8 रैशनल नंबर्स मिलते, आपको 10 निकालने हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमने क्या करा, जितने हमें रैशनल नंबर्स चाहिए होते हैं उससे हमेशा एक नंबर ज्यादा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद ये मेरा नंबर बन गया -4/11/44/11/10/110 एंड दूसरा मेरा नंबर बन गया -5/11/55/10/11/110। अब देन इसके बाद अब ये रेंज काफी बड़ी हो गई है। ओके, अब हम इनके बीच में आराम से कोई भी 10 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए -44 से शुरू करते हैं आगे तक, -43/110, -42/110, -41/110, -40/110, देन -39/110। देखो -44 से मुझे 55 की तरफ जाना है, नंबर लाइन हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है, नंबर लाइन कभी नहीं भूलना। -38/110, -37/110। अब कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी लिख लेते हैं, जैसे 55 है तो 55 से उल्टा आ जाते हैं, 54/110, 55/110 एंड लास्ट में 53/110 एंड लास्ट में 52/110। तो ये जो मेरी पूरी नंबर्स की एक रेंज है, इससे ज्यादा नंबर्स भी हम ले सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने बीच में बहुत सारे नंबर्स छोड़े हैं 37 और 54 के बीच तक। ये पूरी रेंज मेरी किसके बीच में आती है, इन दो नंबर्स के बीच में आती है। तो हमने निकाल लिया आराम से 10 रैशनल नंबर्स, कैसे हमने निकाले। ओके, आई होप दिस वॉज क्लियर। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।